लक्ष्मी सरस्वती गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय में आज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेरा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्य अर्पण किया। इसके बाद उक्त कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार की ओर से विभिन्न शासकीय महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों की घोषणा हुई थी, जिसमें राज्य मंत्री धाकड़ के बड़े पुत्र जीतू राठखेरा के करीबी मित्र नरोत्तम धाकड़, मारोरा कुलक्ष्मी सरस्वती गोपाल कृष्ण शासकीय महाविद्यालय पोहरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर छात्रों के अलावा मुख्य रूप से नगर परिषद पोहरी के उपाध्यक्ष रश्मि नेपाल सिंह वर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष कृष्णलता संजीव शर्मा, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी, जनपद पंचायत अध्यक्ष रामकली आदिवासी के साथ पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता उपस्थित रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं हमें लगवाए और हमारे विद्यार्थी यहीं पढ़े और डाउनलोड करें, उनको डाउनलोड करें और यहीं से इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे पास फर्नीचर की व्यवस्था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उनके साथ मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ जो भी है छात्रों की समस्या होगी, कॉलेज की जो समस्या होगी उसको पूरा करने में जहाँ तक मेरी जरूरत पड़े आप मेरे प्रदर्शन को बताए, मैं माननीय जी को अवगत कराऊंगा। मैं यहाँ पर सभी बैठे हुए सम्माननीय हमारे नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी नेपाल जी धाकड़ जी और जनपद अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री का जो मार्गदर्शन कई देशों के लोग लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में पूरे देश में राजनीतिक हर देश में चालू कर तो हमारा उद्देश्य खुलासा ही है कि हमारे बेटे बेटी आगे जाओ वो अपना नाम रोशन करें, हमारे परिवार का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, तो तभी हम लोगों को खुशी होती है। मैं बहुत बहुत कार्यक्रम मेरा आयोजन आई